हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार युगों को चार युगों में बांटा गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग के बारे में पहले से बता दिया गया है कि कलयुग में क्या क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आइए हम सब मिलकर जानते हैं शिव पुराण के अनुसार कैसे होगा कलयुग। कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेगा, दुराचार में फंस जाएगा और सब के सब सत्य भाषक से मुंह फेर लेंगे। दूसरों के धन को हड़पने में तत्पर रहेंगे। उनका मन पराई स्त्रियों में आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे। अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे। गुण नास्तिक और पशु बुद्धि वाले होंगे। माता पिता से द्वेष रखेंगे। वेद बेचकर जीविका चलाएंगे। तीन काल की संध्या उपासना से दूर रहेंगे और कुकर्म में लग जाएंगे। और विद्वान हुए तो बात विवाद करने वाले होंगे। कलयुग की स्त्रियां पराई सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी। सास ससुर से द्रोह करेंगी, किसी से भय नहीं मानेंगी, मलिन भोजन करेंगी। उनका स्वभाव बहुत बुरा होगा और वह अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगी। शिव पुराण में वर्णित यह बात घटित होती दिखाई दे रही है, जबकि कलयुग ने अभी मात्र 5000 साल पूरा किया है और इस समाप्त होने में अभी लाखों वर्ष बाकी हैं। तो सोचिए, कलयुग के जब अपनी चरण पर होगा तो हमारा समाज कैसा होगा।